दमोह जिले के पटेरा स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ एक डॉक्टर के साथ स्थानीय कांग्रेसी नेता के भांजे ने देर रात मारपीट की घटना को अंजाम दिया। यह पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। मारपीट की घटना से नाराज डॉक्टरों ने आज हड़ताल कर दी है। इस मारपीट को पटेरा के सभी मेडिकल स्टोर भी बंद है। घटना से आक्रोशित डॉक्टरों ने पुलिस में आरोपी के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया है। आपको बता दें कि डॉक्टरों के साथ मारपीट का यह पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी ऐसी कई घटनाएं जिला अस्पताल सहित कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घटित हो चुकी है। इसी बात को लेकर पूर्व में डॉक्टरों को द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल भी की गई थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी वहां से भाग गया था। जहाँ पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है, वहीं डॉक्टरों का कहना है कि जब तक उन्हें सुरक्षा नहीं दी जाएगी वो काम नहीं करेंगे। रात के करीबन 2 बजे एक आदमी इसमें कर रहा था, तो मैं इमरजेंसी समझ के बाहर निकला हूँ, तो पता चला वो बेवजह से चिल्ला रहा था। और जब उसके पास मैंने वो जाके पूछा कि क्या कारण है, कोई दिक्कत है क्या, तो वो मुझसे बोलने लगा कि तुम कौन हो, अपनी डिग्री दिखाओ और चौकीदार को बुलाओ, ये वगैरह बात करने लगा। और माँ बहन की गाड़ी इसमें देखता जा रहा था। और सर देखने में किसी अस्पताल की जो ANM है इसमें उनका हाथ भी पकड़ा और बदतमीजी करने उनके लिए मारने के लिए उतारू हो गया, तो वो भी बेचारी भागी। और जो दाई थी जो सिस्टर को ANM को बचाने आई, तो उनसे भी ये इसने गाली गलौज की और वो भी शिकायत करने की दाई की मेरे साथ भी इसने बहुत बुरा व्यवहार किया है, माँ बहन की गाली दे रहा था।